गुलबर्गा शहर के KNZ फंक्शन हॉल में 12 और 13 अगस्त को सफा बैतुल माल और मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन की जानिब से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। 12 अगस्त को सफा प्रोडक्शन यूनिट गुलबर्गा का इफ्तिताह सफा बैतुल माल मरकजी सदर जनाब गयासुद्दीन रशादी के हाथों किया गया है। सफा प्रोडक्शन यूनिट ओपन करने का मकसद सफा बैतुल माल के जरिए टेलरिंग सीख रही खवातीन के हुनर को मजबूत करना है। इसके लिए MLA कनीस फातिमा और दीगर कई लोगों ने ताउन किया है, उन तमाम का शुक्रिया अदा किया गया है। और 13 अगस्त को चलो कुछ तबीर करें कुछ काम करें इस उनवान पर प्रोग्राम रखा गया था, जिसका मकसद मिल्लत के मुस्तकबिल के लिए काम करना है। इस प्रोग्राम को मौलाना गयासुद्दीन रशादी की क़यादत और नसीरुद्दीन खान की सदारत में ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रोग्राम में शहर के कई डॉक्टर्स, एडवोकेट, स्कूल कॉलेज के जिम्मेदार, ताजिर, उलमाए इकराम और कई दानिशमंद हजरात मौजूद थे। तमाम लोगों ने चलो कुछ ताबीर करें कुछ काम करें इस मुहिम के लिए ताईद और ताउन करने का ऐलान किया है। मजीद जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफा बैतुल माल शाह गुलबर्गा रिफाही फलाही खिदमत में सरजमीन गुलबर्गा में 10 साल से मारूफ और मशहूर है। इसकी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड लेवल पर हैं, टीम वर्क है, मुख्तलिफ शोबाजात में काम होता है, उन्हीं में से एक शोबा टेलरिंग सेंटर्स का जहाँ सिखाया जाता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 अगस्त 2023 को एक नए काम का आगाज़ किया गया। वो ये कि जो गरीब खवातीन हैं उनको रोज़गार देने के लिए सफा टेलरिंग जो प्रोडक्शन यूनिट क़ायम किया गया है, इसमें ऑर्डर्स लेंगे और ये खवातीन जो सीखी भी हैं वो इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखेंगी, चाहे वो नाइटीज़ हो या और दूसरी कुर्तीज़ वगैरह। फिर उसके बाद इसका जो मेहनताना होगा वो उन खवानीन को दिया जाएगा जो इस सिलाई में मसरूफ़ हैं, इससे इनके रोज़गार में तकवीत पहुँचेगी। हमारा नज़ीर अहमद रशादी साहब, उनके आवान और अंसार, उनकी वो पूरी टीम जो इस काम में लगी हुई है, काबिल मुबारकबाद हैं। बल्कि दिल की गहराई से इन तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ। हमारे दरमियान सफा बैतुल माल शाह गुलबर्गा के ज़िम्मेदारान भी हैं और मौलाना मोहम्मद तलहा मादनी साहब वो भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल फरमाए और इसको नाफियत अता फरमाए। प्रोग्राम आज रखा गया था, दरअसल सफा बैतुल माल शाह गुलबर्गा के ज़ेरे एहतमाम 5 टेलरिंग सेंटर्स कायम हैं सिर्फ गुलबर्गा में, इसके अलावा अतराफ व अकनाफ में भी 2 टेलरिंग सेंटर कायम हैं। कुल 7 टेलरिंग सेंटर कायम हैं जिसमें सैकड़ों खवातीन तरबियत हासिल कर रही हैं और माहिर जो इंस्ट्रक्टर रखा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 5,000 खवातीन ने इसमें तरबियत हासिल की है। इसका मंशा और ये बिला लिहाज मजहब मिलत है, इसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू बिरादरी के भी अफराद हैं। तो इसका मकसद यही है कि औरतों को रोज़गार दिया जाए, और चूंकि इस वक्त में हालात ऐसे हैं कि एक आदमी की कमाई काफ़ी नहीं होती, आमदनी कम, अखलायत ज़्यादा हैं, इसलिए कुछ खवातीन घर बैठे खुद अपने कपड़े भी सी सकते हैं, दूसरों के भी ऑर्डर लेकर कपड़े सीखें, इससे उनकी मईशत मजबूत हो सकती है, ये एक रोज़गार फराहमी का जरिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 अगस्त बरोज़ हफ्ता मौलाना गयास साहब रशादी मरकजी सदर सफा बैतुल माल इंडिया के हाथों से सफा प्रोडक्शन यूनिट गुलबर्गा का इफ्तिताह जो है अंजामी इफ्तिताह अमल में आया। हमारा इसका मकसद ये है कि जो खवातीन कई सालों से सीख रही हैं उनके हुनर को मजीद मजबूत किया जाए और इसको जो है आमदनी का जरिया बनाकर मुस्तहिकीन गरीबों तक पहुँचाया जाए, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कायम किया गया। इसके लिए जिन लोगों ने ताउन किया, ख़ास तौर पर कनीस फातिमा साहिबा MLA शिमाल, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनके ताउन को बेइंतहा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये 6वां नुक्ता है, 15 नुकात के प्रोग्राम में से 6वां प्रोग्राम मसाजिद मराकिज़े इंसानियत। गौर करें, हमारी मस्जिदों को एक जानिब रखे हिंदुस्तान की, दूसरी जानिब मदीने मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है उसको सामने रखिए। वहाँ का मिजाज, वहाँ नबी रहमत ने सिर्फ नमाज का अहतमाम नहीं किया बल्कि मस्जिद नबवी को मरकज़ इंसानियत बनाकर काम किया। बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिया गया, मुसाफिरों को खाना खिलाया गया और बैतुल माल का निज़ाम रखा गया, यतीमों की कब्र गिरी गई, बेवाओं की ज़रूरतों को पूरा किया गया, जिहाद की तैयारी वहाँ हुई, गैर मुस्लिमों के वफूद से मुलाकातें वहाँ पर हुई और बीमारों की मरहम पट्टी मस्जिद नबवी के माहौल में हुई। सारे काम मस्जिद से जुड़े हुए थे, सारे समाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से जोड़ा था। आज हमारी मस्जिदों का हाल ये है कि हमने मस्जिदों को सिर्फ नमाज के ताए क़याम करने का जरिया बनाया, सिर्फ बरकत इबादत बनाया, मराकज़े इंसानियत बनाने की सब में ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल और मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के इश्तराक से हैदराबाद की सरजमीन में ऐसी कई मस्जिदें हैं जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम
मस्जिद को मना के इंसानियत के तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर कर रहे हैं। दो मस्जिदों की आपको मैं निशानदेही करता हूँ, एड्रेस देता हूँ। एक किशनबाग में 9 नंबर पर मस्जिद अशरफ करीम है, उस मस्जिद के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, उस मस्जिद से जो खिदमत होती है वहाँ क्लिनिक है, माइक्रो फाइनेंस के जरिए से छोटे छोटे कारोबारियों को बिलासुदी कर्ज हसना दिया जाता है, वहाँ दांतों का दवाखाना है, वहाँ हेल्पिंग लाइन है, वहाँ पर सफा शरीयत हेल्पलाइन का निज़ाम है, वहाँ बेवाओं में राशन देने का निज़ाम है, वहाँ के 12,000 घरों का सर्वे किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज 13 अगस्त 2023 को KZ फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसको मेंबर मेहरा फाउंडेशन के तहत प्रोग्राम रखा गया और सफा बैतुल माल की निगरानी में यह प्रोग्राम रखा गया। माशाल्लाह, जो मौलाना गयासुद्दीन रशादी साहब एक 15-point प्रोग्राम गुलबर्गा लेकर आए हैं और वो 2-3 स्टेट में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जजाए खैर दे, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये 15-point प्रोग्राम में अगर आज उम्मत मुस्लिमा अगर काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का, हमारे माशरे का, हमारे ख़वातीन का जो है एक बेहतरीन मुस्तकबिल बन सकता है। और इंशाल्लाह मैं जमीयत अहले हदीस के सदर के जानिब से और हमारे तमाम पूरी टीम की तरफ से इंशाल्लाह ये 15-point प्रोग्राम की हम तायीद करेंगे और इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ जो है शाना बशाना रहेंगे। और मैं आखिरी में तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखसूस हमारे गुलबर्गा शहर के मौलाना नज़ीर रशादी साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा है, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को जोड़ा है, और मैं उनको उनके हक़ में अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और मज़ीद ऐसे खिदमात लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलबर्गा की सरजमीन पर जो अहम तरीन प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि मुल्क के हालात के एतबार से चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें। जो तहरीक है, इस तहरीक का जो एक जोन है कर्नाटक का, वो कर्नाटक जोन में मौलाना नज़ीर अहमद रशादी साहब को इसका सदर बनाया गया है। पूरे कर्नाटक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक जोन के आप जो है सदर हैं और मौलाना मुख्तार अहमद रशादी साहब इसके तर्जुमान हैं। ये गाड़ी रहेगी और इस गाड़ी के ज़रिए से जो आज इस गाड़ी का इफ्तिताह हो रहा है, इस गाड़ी के ज़रिए से इन आधे कर्नाटक को कवर किया जाएगा और जो 15 नुकाती प्रोग्राम हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और रूब अमल लाया जाएगा। तो इस तरह की कोशिशें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 अगस्त KZ फंक्शन हॉल में खसूसी इजलास मुनक़िद था, शहर के अहम जिम्मेदारान और यहाँ डॉक्टर्स, उकला, तुजार, दानिश्वरान, मसाजिद के सुदूर, स्कूलों के, कॉलेजेस के जिम्मेदारान मौजूद थे। मौलाना गयास साहब रशादी की क़ियादत में नसीरुद्दीन खान साहब दामद बरकातुम की सदारत में इजलास मुनक़िद हुआ, चलो कुछ तदबीर करें, कुछ काम करें के तहत में बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा और सब ने इस तहरीक को अपनी तायीद का और अपने ताउन का ऐलान किया। हम तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तहरीक के ज़रिए से मिल्लत की कमज़ोर जड़ों को मजबूत किया जाएगा और उसके ज़रिए से जो एहसास कमतरी में मुबतला है मिल्लत, उसको अपने पाँव पर खड़े करके भूला हुआ सबक याद करने की कोशिश की जाएगी। कभी उम्मीद है कि जिम्मेदारान और कौम मिल्लत का दरमन तबका आकर इसके लिए बाजू बनने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए नदीम बाबा साहेब और जितने कारकुनान माविनीन ने आज के प्रोग्राम को कामयाब करने में ताउन पेश किया। अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।